हमारे पास ये डी एच डिस्कवरी का होम थिएटर ठीक होने के लिए आया है। इसका मॉडल नंबर है DH20 700 वाट। तो इसको हम यहाँ प्लग कर लेते हैं। जैसे मैंने प्लग किया है देख सकते हो कुछ हमिंग जैसा साउंड आ रहा है। ये इसके सब ऊपर से नहीं आ रहा है, ये इसके अंदर से किसी और पार्ट्स में से आ रहा है। तो इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये रहा हमारा अंदर का सारा पार्ट। इसमें चार आईसी लगा हुआ है। आईसी इसमें 220-30 लगा है, 220-50 लगा हुआ है। इसमें हमारे आउटपुट के लिए आईसी दो ही यूज़ हो रहा है, दो हमारा स्पीकर के लिए, दो हमारा सबवूफर के लिए। तो इसको दोबारा से ऑन करके देखते हैं कि इसका हमिंग साउंड किस में आ रहा है। ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर, ये रहा इसका सबवूफर। सबवूफर 100 वाट का लगा हुआ है, 4 ओम का। इसमें रेटिंग लिखा नहीं हुआ है। ट्रांसफार्मर वैसे गर्म हो गया है जब हमने इसको पहले चलाया था। तो दोबारा से एक बार चालू करके देखते हैं कि हमिंग साउंड कहाँ से आ रहा है। जब मैंने ऑन किया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है। एक तो हमारा यहाँ वायर ब्रेक है कोई, और यहाँ हीट अप भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये साउंड इसके ट्रांसफार्मर से आ रहा है। इसके डायोड काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहे हैं। तो अभी इसका मैं ये जिप टाइप तोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने ठीक से। देख सकते हो यहाँ पे एक तार एक दूसरे के साथ चिपक गया है। अपना इनपुट का तार है, ये हमारा आउटपुट का तार है। इसका एक वायर निकला हुआ है, तो इसमें मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। हमिंग का साउंड वापस से आने लगा है। हीट सिंक में कोई आईसी नहीं हीट हो रहा है। एक एक तार हमने दोनों का निकाल लिया। इस तरह से डायोड हमारा चेक हो जाएगा। मीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड में कर दिया, सेट कर दिया। और डायोड को चेक करते हैं कि दोनों ख़राब है या एक ही डायोड हमारा ख़राब है। एक साइड से कोई रीडिंग आना चाहिए, इसके दोनों साइड में रीडिंग बता रहा है, यानी कि ये मेरा डायोड जल के ब्लास्ट हो चुका है। My diodes! ये सेकंड डायोड ठीक है, बस हमारा एक डायोड इसमें खराब है, इसको हम बदल देते हैं। इसके हमने एक्सेस लैग को कट कर दिया। एक बार मीटर से चेक करते हैं इसमें शॉर्ट सर्किट अभी बता रहा है कि नहीं। अब इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं बता रहा। इसमें हमारा एक कैपेसिटर भी शॉर्ट है, एक ठीक है, एक कंटिन्यूस बीपिंग का साउंड दे रहा है। इसको भी निकाल कर चेक कर लेते हैं। इसका वैल्यू है 33 UF 25 वोल्ट। ट्रबल शूट करने के बाद हमने पाया कि जो यहाँ पे इसका स्क्रू लगा हुआ था हीट सिंक के साथ, इसका जो एक कनेक्शन दिया गया हीट सिंक के साथ, यहाँ पे ये ग्राउंड के साथ यहाँ शॉर्ट हो रहा था। ये जो पिन है, ये ट्रेस देख सकते हो, ये जो ट्रेस आया हमारा, ये ट्रेस इस वाले पॉइंट पे आके जुड़ रहा है, जो कि ये दोनों पॉइंट हमारा शॉर्ट बता रहा था। और ये वाला पॉइंट हमारा इसके थर्ड पिन पे सेंटर में होता है, और ये सेंटर वाला पिन है इसका जो ये जो मेटालिक पार्ट है आईसी का, इसके साथ कनेक्ट होता है। ये स्क्रू के साथ इसके साथ अटैच हो गया, जिसके कारण
इन दोनों पॉइंट में शॉर्ट बता रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो इसको शॉर्ट होने से बचाने के लिए पहले मैंने एक इस तरह का प्लास्टिक को काट के यहाँ पे लगाने का कोशिश किया, लेकिन मैं देखा कि हीट सिंक हीट हो रहा है और ये प्लास्टिक मेल्ट होकर वापस से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसके ट्रेस को कट कर दिया। अब ये इसके ट्रेस को कट कर दिया, अब हम इसमें डायरेक्ट भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन हम डबल सेफ्टी के लिए इसके प्लास्टिक के साथ इसको थोड़ा अलग कर देंगे, और यहाँ से तो हमारा वैसे भी जॉइंट है नहीं, अगर शॉर्ट भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसको हमने कस दिया और इसके हमने ट्रांसफार्मर के वायर को भी वापस से लगा दिया। अब हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट का जो हमिंग का जो ट्रांसफार्मर का आ रहा था वो आता है कि नहीं। Welcome to DH Discovery. तो देख सकते हैं इसमें आवाज आने लगा, इसमें यही प्रॉब्लम था। एक तो इसका डायोड खराब था, जो कि आपस में इसी शॉर्ट की वजह से डायोड खराब हुआ था, क्योंकि आपस में शॉर्ट हो रहा था जिसके कारण डायोड से करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से डायोड ब्लास्ट हो गया। तो डायोड चेंज कर दिया और ये डायोड का फटने का जो कारण था उसको भी हमने सही कर दिया। इसका ओके सॉल्यूशन हो गया, सारा रिपोर्ट ओके है। धन्यवाद।